सेवन क्लास के लिए आज हमने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। जो बच्चे स्कूल आए उनके लिए एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन जो बच्चे घर में थे उनके लिए एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ तक हमारा एक्सप्लेन हो चुका था पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से एक्सप्लेन करना है। अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज एंड थॉरेट। हमारा निज़ाम तनफ्फुस नाक और गले पर मुश्तमिल है। द विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, ब्रीथिंग मसल्स हैं एंड लंग्स और फेफड़े हैं। नोज एंड थॉरेट, नाक और गला। द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ। हमारे मुंह और नाक के जरिए हवा दाखिल होती है। आवर नोज हैज़ एयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। हमारे नाक में जो बाल होते हैं और म्यूकस जो होता है वो क्लीन करता है, हवा जब हमारे नाक में जाती है उसको साफ करता है। म्यूकस इज़ अ स्टिकी लिक्विड। म्यूकस जो है वो स्टिकी लिक्विड है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। और डस्ट पार्टिकल जो कि हवा में मौजूद होते हैं, जब हवा हमारे नाक में दाखिल होती है तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं म्यूकस से चिपक जाते हैं। एयर एंटर द थॉरेट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। हवा दाखिल होती है गले के ज़रिए और लेरिंग्स में चली जाती है। लेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब है लंबी। अवर वोकल कार्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। हमारे वोकल कार्ड्स जो आवाज़ पैदा करते हैं वो मौजूद होते हैं लेरिंग्स में, प्रोड्यूस साउंड जो कि आवाज़ पैदा करते हैं। ट्रेकिया और विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। हवा जो है वो लेरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया या विंड पाइप में जाती है। अवर विंड पाइप इज़ मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। हमारे विंड पाइप जो है वो सी शेप और कार्टिलेज के बने होते हैं। दीज रिंग कीप अवर विंड ओपन। ये रिंग्स जो हैं वो खुला रखते हैं विंड पाइप को। म्यूकस एंड टिनी हेयर इन द ट्रेकिया आल्सो फिल्टर द एयर। और म्यूकस और जो छोटे बाल होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं, ट्रेकिया में हवा को फिल्टर करते हैं। ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रेकिया डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस काल ब्रोंकाई। ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम ब्रोंकाई कहेंगे और सिंगल को ब्रोंकस कहेंगे। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई जो है हवा को फेफड़ों में लेकर आती है। अवर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे फेफड़े जो हैं हमारे निज़ाम तनफ्फुस का अहम हिस्सा हैं। इन ईच लंग्स द ब्रोंकस डिवाइड इंटू स्मॉलर ट्यूब कॉल ब्रोंक्यूल्स। और हर फेफड़े में ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो जाएगी स्मॉल ट्यूब्स में जो कि ब्रोंक्यूल कहलाएगी। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल के एंड पर टिनी एयर सैक्स कॉल एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। हर ब्रोंकाई के एंड पर छोटे छोटे हवा के गुब्बारे मौजूद होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। और एल्वियोलाई के बाहर खून की नालियाँ मौजूद होती हैं। ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो गया सेकंड वाला। ये डायग्राम बनेगी, डायग्राम देख लीजिए। नोज़, ये एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस के बाद है लेरिंग्स, ट्यूब, ट्रेकिया, कार्टिलेज की जो बनी होती है सी शेप, ब्रोंकाई, फेफड़ों के अंदर जो नाली जा रही है वो ब्रोंकाई, और कैपिलरीज बाहर ये एल्वियोलाई के बाहर हैं। और ये एल्वियोलाई हैं फूले हुए जो गुब्बारे, इनमें हवा भरी होती है, ये एल्वियोलाई कहलाते हैं। ये डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ बनेगी। यही आपका होमवर्क है, नोटबुक पर नोट करना है और आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।